हर समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दुनिया से दूर अकेले रहना पसंद करते हैं। वो दुनिया में अपनी जगह बनाने की ना तो कोशिश करते हैं और ना ही उन्हें लोगों में घुलना मिलना पसंद है। अपने इस आदत के चलते दूसरों की नजर में वो एक मजाक बन जाते हैं और लोग उन्हें ऐसे देखने लगते हैं जैसे कि वो किसी दूसरी दुनिया से आए हो। ऐसा ही एक इंसान है 1989 के इस फिल्म का किरदार मॉन्सियर हियर, जो अकेला तो रहता है पर वो दुनिया की हर चीज और हर इंसान पर नजर रखता है और उन्हें ऑब्जर्व करता है। हेलो एंड वेलकम टू 90 प्रोडक्शन फिल्म्स एंड म्यूजिक। आई एम दीक्षांत एंड दिस इज इनसाइड अ मूवी। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। फिल्म की शुरुआत में हम इंस्पेक्टर आंद्रे को देखते हैं, जिसे पियरेट नाम की एक लड़की के मर्डर का केस मिला है। जहाँ उसकी बॉडी मिली है उस जगह हियर नाम का एक आदमी रहता है। हियर एक टेलर है जिसे लोग पसंद नहीं करते और इसीलिए इंस्पेक्टर आंद्रे उससे मर्डर के सिलसिले में पूछताछ करने आता है। हियर का कहना है कि वो लोगों के बीच ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करता क्योंकि उसे सोशलाइज करना नहीं आता, उसे चुप रहना पसंद है, शायद इसीलिए लोग उसे पसंद नहीं करते। आंद्रे कहता है कि पियरेट हियर की ही तरह अकेली थी और किसी से बातें नहीं करती थी। वो भी हियर की तरह ही अजीब थी और लोगों को वो ज्यादा पसंद नहीं थी। हियर चाहे लोगों से बात ना करता हो पर वो दूसरों पर नजर रखता है और ऐसे ही वो अपने सामने की बिल्डिंग में रह रही एलिस नाम की लड़की पर भी नजर रखता है। एलिस का बॉयफ्रेंड एमिल एक चोर है जिसके काम से एलिस खुश नहीं है और चाहती है कि वो एक अच्छी नौकरी ढूंढे, पर एमिल उसकी बात नहीं सुनता। हियर हर शाम एलिस को छिपकर देखता है और पूरे दिन वो जो भी करती है उन सारी चीजों पर नजर रखता है, पर वो एलिस को बुरी नजरों से नहीं देखता, वो शायद उसे प्यार करने लगा है। हियर के बिल्डिंग में रहने वाले लोग उसे ऐसे देखते हैं जैसे कि वो कोई अजीब एलियन हो और उस बिल्डिंग में रह रहे बच्चे भी उसे परेशान करते हैं, मगर इस बात से हियर को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तरफ वो अपने अकेलेपन में जी रहा था तो दूसरी तरफ एमिल एलिस से शादी करने की बात कर रहा था, पर एलिस जानती थी कि एमिल ये बात मजाक में कह रहा है। पुलिस को अब भी हियर पर शक था और इसीलिए वो लोग बार बार गवाह के आगे हियर को ला रहे थे, पर वो गवाह नहीं जानता था कि उस रात उसने हियर को देखा था या किसी और को। उस रात पहली बार एलिस को हियर दिखाई दिया जो उसे छिपकर देख रहा था और एलिस को समझ आया कि शायद वो हर रोज उसे ऐसे ही देखता है। एक ऐसी जगह थी जहाँ हियर को लोग पसंद करते थे और यही बात वो आंद्रे को बताना चाहता था। पर आंद्रे अब भी उस पर शक करता है क्योंकि कई सालों पहले हियर 6 महीनों के लिए जेल की सजा काट चुका है। ये बात जानने पर कि हियर उस पर नजर रख रहा है, एलिस उसे जानने की और समझने की कोशिश करने लगी और एक दिन एलिस उसके सामने आई। एलिस को अपने सामने देखकर हियर को इतनी हैरानी हुई कि वो बिना कुछ कहे वहां से चला गया। हियर की नजर रखने की आदत से परेशान होने की जगह एलिस को उसकी ये हरकत अच्छी लगने लगी और वो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करने लगी। वो उससे बात करना चाहती थी पर हियर अब भी उससे मिलने के लिए तैयार नहीं था। वो छिपकर एलिस का हर जगह पीछा करता है, पर एक दिन अपनी गलती की वजह से एलिस के सामने वो आ ही गया और इस बात से वो खुश नहीं था। अब एलिस उसे अपनी ओर खींचने की और कोशिशें करने लगी, पर उसे समझ आ गया कि हियर उसकी निजी जिंदगी में सिर्फ इसलिए झांकता है क्योंकि वो उसे पसंद करता है और इसीलिए एलिस हियर से मिलने उसके घर गई। उसने हियर से कहा कि उसे ये बात अच्छी लगती है कि कोई है जो उस पर हर वक्त नजर रखता है और उसे उसका काम करते हुए देखता है, पर अगर कोई और होता तो शायद वो पुलिस को बता देती। हियर एक तमीजदार और सोफिस्टिकेटेड आदमी है इसीलिए एलिस को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। एलिस उससे और बातें करना चाहती थी और वो उससे पूछने लगी कि वो उसके बारे में क्या जानता है। उसके इन सवालों से हियर परेशान होने लगा और गुस्से में उसने एलिस को वहां से जाने के लिए कहा, पर असल में एलिस को भेजने का कारण गुस्सा नहीं कुछ और था। एलिस के वहाँ होने से हियर उसकी मौजूदगी को ठीक से महसूस नहीं कर पा रहा था और इसीलिए उसने एलिस को वहाँ से जाने के लिए कहा। वो उस परफ्यूम को ढूंढने लगा जो एलिस लगाती है ताकि वो बिना रोक टोक एलिस की मौजूदगी महसूस कर पाए।
एलिस एमिल से शादी करना चाहती थी, पर एमिल ने उसे बताया कि उसके घर पुलिस वाले आए थे। जिस बात को एलिस भूलना चाहती थी, वो बात एमिल की वजह से वो भूल नहीं पा रही, और एमिल को भी डर था कि उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन दोनों ने उस बात को भूलने का फैसला किया और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की बात की। आंद्रे को मर्डर की जगह पर एक स्कार्फ मिला, जो वहां रहने वाले लोगों ने कहा कि हियर का स्कार्फ है, पर हियर ने उसे बताया कि उसका स्कार्फ उसके घर में ही है। आंद्रे के जाने के बाद उसे घर में एक चिट्ठी मिली जो एलिस ने उसके लिए लिखी थी। वो हियर से अकेले में मिलना चाहती थी, और अगले दिन उसने हियर को मिलने बुलाया। उसने एमिल से कहा कि वो अपने किसी रिश्तेदार से मिलने जा रही है, और ये कहकर एलिस हियर से लंच के लिए मिलने गई। उस दिन हियर ने बताया कि उसे लोगों को अपनी जिंदगी जीते देखना पसंद है। वो दूसरों की जिंदगी की खूबसूरती देखना पसंद करता है, और इसलिए वो हर किसी को ऑब्जर्व करता है। हियर को लगता है कि एलिस की जिंदगी में कुछ ऐसा है जिसके बारे में वो जानता नहीं, पर एलिस इसका कोई जवाब नहीं देती। वो दोनों एक दूसरे के साथ दिन बिताते हैं, और एलिस उससे कहती है कि वो उससे प्यार करती है, पर हियर समझ गया था कि एलिस उससे इतने प्यार से बर्ताव क्यों कर रही है। एमिल ने पियरेट का खून किया था, और रात को वो एलिस के घर सबूत मिटाने आया था, और हर रात की तरह हियर ने उस रात भी सब कुछ देख लिया। एलिस जानना चाहती थी कि हियर ने ये सारी बात पुलिस को क्यों नहीं बताई, पर हियर कहता है कि वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। वो एलिस को उस जगह ले जाता है जहां वो अपना अकेलापन दूर करने के लिए प्रोस्टिट्यूट्स के पास आया करता था, पर जब से एलिस उसकी जिंदगी में आई है, उसने वहां जाना बंद कर दिया है। एलिस पर हियर की एक दिन गलती से नजर पड़ी थी, जिसके बाद वो अपने आप को उस पर नजर रखने से रोक नहीं पाया, और उस दिन से उसे एलिस से प्यार हो गया, और इसीलिए एलिस को पुलिस की नजरों से दूर रखने के लिए उसने पुलिस को एमिल के बारे में नहीं बताया, क्योंकि अगर पुलिस को पता चला कि एमिल ने उस लड़की को मारा है, तो एमिल के साथी होने के जुर्म में एलिस को भी जेल में डाल दिया जाएगा। एलिस भी हियर से प्यार करने लगी थी, और इसीलिए वो एमिल से छिपकर उसके करीब आ रही थी। एमिल का ध्यान हटते ही वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। पर एलिस का ध्यान अब भी एमिल पर था, जो किसी बात से परेशान था। एमिल के साथी ने उसे बताया कि पुलिस उसके पीछे उस जगह आई है, और उस जगह को उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया है, इसीलिए एमिल वहां से बचकर निकलने की कोशिश करने लगा, और एलिस को वही छोड़कर भागने लगा। एलिस उसके साथ जाना चाहती थी, पर एमिल का कहना था कि एलिस के लिए उससे दूर रहना ही ठीक रहेगा, और एलिस को छोड़कर एमिल वहां से चला गया। उसके जाने के बाद हियर एलिस के पास आया और उसे अपने साथ वहां से दूर जाने के लिए कहा। वो एलिस को खुश रखने का वादा करता है, और तब उसे ट्रेन की टिकट्स देता है। उसने वहां से निकलने की सारी तैयारियां कर ली थी, और अगली सुबह उसने एलिस से स्टेशन पर आने के लिए कहा। आंद्रे जानता था कि हियर सच्चाई जानता है, पर उसे कुछ नहीं बता रहा, और उसकी चुप्पी से परेशान होकर वो उसे समझाने लगा कि अगर उसने असली खूनी को नहीं पकड़ा तो इल्जाम हियर के सर आ जाएगा, पर हियर ने उसे अब भी कुछ नहीं बताया। अगली सुबह उस जगह से निकलने से पहले हियर ने अपने पाले चूहों को आजाद किया, और साथ ही अपने अकेलेपन से भरी जिंदगी से आजाद होने के लिए आगे बढ़ा। पर बहुत देर तक स्टेशन पर एलिस का इंतजार करने पर भी वो वहां नहीं आई। अपनी उम्मीद के खत्म होने पर जब हियर वापस अपने घर गया, तो उसने अपने फ्लैट में आंद्रे को बैठा देखा, और तब हियर को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा मिला। एलिस ने आंद्रे को बताया कि उसे हियर के घर में पियरेट की बैग मिली, और हियर ने ही उसका खून किया है। इस धोखे के बावजूद हियर सिर्फ दुखी था, पर उसे एलिस पर गुस्सा नहीं आ रहा था। हियर ने फिर भी आंद्रे को सच नहीं बताया, और कुछ पल की मिली खुशियों के लिए एलिस का शुक्रिया अदा करके वो पुलिस से बचकर भागने लगा। भागते हुए वो छत पर गया, जहां उसका पैर फिसला। बहुत देर तक बचने की कोशिश करने के बाद उसने हार मान ली और अपनी जान खो दी। हियर ने आंद्रे के लिए एक चिट्ठी लिखी थी, जो उसके और एलिस के शहर से दूर जाने के बाद आंद्रे को मिलने वाली थी। चिट्ठी में उसने एक लॉकर की चाबी और एमिल के खूनी होने की सारी सच्चाई लिखी थी, पर जब तक आंद्रे को सारी सच्चाई मालूम हुई और जब तक उसे सारे सबूत मिले, तब तक देर हो चुकी थी, और हियर ने अपने प्यार को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।